जी सर, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सर बजट की ना थोड़ी कमी है। कंपनी ऑलरेडी बहुत नुकसान में चल रही है, तो अगर आपकी तरफ से हमें हेल्प मिल जाती तो काफ़ी ज़्यादा हमें आप बूस्ट मिल जाता हमारे बिजनेस में भी, और हम सर्विस भी पूरी अच्छी देने की अपनी तरफ से फिर कोशिश कर सकते हैं। सर मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? जितना भी बजट आपका इस प्रोजेक्ट में लगता है तो हम आपको देंगे ना, लेकिन काम जल्दी होना चाहिए। एक मिनट ज़रा आओ, मैं बस इसको देखूँ तो सही, इनकी हालत क्या हुई हुई है। तकरीबन यार, जब से मैं मतलब कि लॉस सैंटोस में आया हूँ ना, मैं यही बस सर्विस देख रहा हूँ। ठीक है, एक अरसा हो गया इस बस सर्विस को देखे हुए, और ना तो इसमें कोई चेंजिंग आई है, ना इसकी कोई डिज़ाइन में या इसकी कोई अंदर की सर्विस में कोई बदलाव आया है। तो तकरीबन कोई मेरे ख्याल 5-6 गवर्नमेंट चेंज हुई है, लेकिन अभी तक किसी ने इसमें फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही है। जी सर, साकिब, इस प्रोजेक्ट को तूने ना थोड़ा अपने तौर पर फोकस करना है, ठीक है? जी मौबी, तो मैं ये चाहता हूँ कि यार इसमें ना ये जो बस है ना, इस बस के डिज़ाइन में ना हमारा जो LQM का झंडा है ना, वो आपने डालना है, और बस का डिज़ाइन टोटली चेंज होगा। बस का डिज़ाइन क्या, बस ही चेंज होंगी, जो नए बस के डिज़ाइन होंगे वो साकिब जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा इधर आए मेरे साथ, मैं ज़रा कोचेस देख लूँ यार, कोचेस की क्या सूरत हाल है। और वैसे तो यार ये डैश आउट जो कोच है ना, ये भी कोई एक अरसे से मैं देख रहा हूँ लॉस सैंटोस में। एक अरसे से क्या यार, शुरू से यार यही मैं कोचेस देख रहा हूँ चलते हुए, जो कि सैंडी शोर की तरफ जाती हैं, और इनको भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। इनके भी डिज़ाइन जो हैं पूरे चेंज होंगे, बेस्ट रहेगा कि यार पूरी कोच ही चेंज हो जाए, ठीक है ना? आप मुझे अपना ना सारा का सारा इसका, आप मुझे सारा का सारा बजट जो है ना वो मुझे एक उसका लिस्ट बनाकर दे दीजिए, प्रॉपर एक फॉर्म बनाकर दे दें, और जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है मिस्टर साकिब, वो इसको फॉलो कर लेंगे। जी सर, इसके अलावा किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत होगी ना, आपने डायरेक्ट मेरे असिस्टेंट को कॉल करनी है, लेकिन बसें कल तक किसी भी तरह से इंपोर्ट कराओ, ठीक है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो किसी भी बाहर की कंपनी से, मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट जो वर्ल्ड क्लास कंपनी है ना उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो, और कल मैं चक्कर लगाऊंगा, चेक करूंगा यार बसों के डिज़ाइन, अगर वो डिज़ाइन मुझे पसंद आते हैं तो मैं पास कर दूंगा। लेकिन जो अपनी इधर की ट्रांजिट बस है ना, वो डबल डेकर होनी चाहिए। हम भी यही चाहते थे सर कि VIP बस सर्विस हम प्रोवाइड करना चाहें, बस थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत थी काफ़ी अरसे से। सपोर्ट इंशाल्लाह आपको पूरी मिलेगी, मैंने आपको बोला ना किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत होगी या कहीं भी प्रॉब्लम आएगी, डायरेक्ट मेरे असिस्टेंट को कॉल करनी है, वो सर्विस उसी वक्त आपको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन फ़र्स्ट मुझे कल बसें इंपोर्ट करा के दिखानी है, मैं चक्कर लगाऊंगा दोबारा और चेक करूंगा, अगर मैंने पास कर दी, मुझे डिज़ाइन पसंद आ गए, तो फिर विद इन अ वीक इस हफ्ते के अंदर अंदर पूरे लॉस सैंटोस में बसें चलना स्टार्ट होनी चाहिए। जी जी सर, हम खुद चाहते हैं ये, बस हेल्प की बस ज़रूरत है माइकल सर, तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से पूरी पूरी कोशिश होगी। आफ्टर ऑल मैं CEO डैश हाउंड का, तो वर्ल्ड क्लास के टॉप कंपनी के साथ मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो मैं इंपोर्ट जल्द अज जल्द करवा लूँगा सर। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली LQM का जो फ्लैग है ना वो डिस्प्ले होना चाहिए दोनों बसों में, ठीक है? हाँ, कोच में नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन जो ट्रांजिट बसेज होंगी ना, जो लॉस सैंटोस के अंदर चलेंगी, उनमें LQM का लाजमी नाम होना चाहिए। जी सर, क्यों नहीं सर, जैसा आपका हुक्म सर। वेरी गुड यार, अब इस प्रोजेक्ट को तुम फॉलो करो जितनी जल्दी हो सके, तो मैं कल एक दफ़ा आकर चेक कर लेता हूँ बसें। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली दफ़ा कोई प्रेसिडेंट डायरेक्ट आके मुझसे मिल रहे हैं, मुझसे बात की है, थैंक यू सो मच सर। बस बस, अरे कोई नहीं यार, बस ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने फॉलो करने हैं। चलो यार। जी सर। ओके, तो यार ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस शहर में बस सर्विस इम्प्रूव करूँगा, जो कि मैंने अभी स्टार्ट किया है काम, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा यहाँ पर लगा हुआ है? अरे ओ भाई, क्यों मार रहे इसको? हेलो इंस्पेक्टर, क्या बदतमीजी है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, क्या कर रहे हो तुम इसके साथ? अरे सर, आपकी गाड़ी को टच किया इसने सर। तो क्या टच करने पर तुम इसको इतना मार रहे हो डंडे से? सर आपकी गाड़ी सर, प्रेसिडेंट की गाड़ी पे सर। तुम्हें मालूम भी है कि इन्होंने मुझे वोट दिए, इनकी वजह से आज मैं इधर खड़ा हूँ, और ये गाड़ी भी इन्हीं की वजह से आई है मेरे पास। सॉरी सर, गलती हो गई सर। नहीं, ये गलती नहीं है, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी, और सज़ा तुम्हारी ये है कि तुम्हें अभी इसी वक्त तुमसे तुम्हारी नौकरी छीनी जाएगी। नहीं सर, ऐसा मत करें, गलती होगी सर, माफ़ कर दे सर प्लीज़। नहीं, ये कोई गलती नहीं है,
सिर्फ एक टच करने पर तुमने इसको इतनी बड़ी सजा दी है, डंडों से मारा सबके सामने। सर ऐसा तो मैं, सर ये तो पहली बार नहीं किया, पहले भी करता रहूँ, किसी ने कुछ नहीं बोला सर। ये वो पुराना दौर नहीं है, समझ आइए। मैं कल डायरेक्ट खुद पुलिस स्टेशन कॉल करूँगा और उनसे पूछूंगा कि तुम्हें अपनी वर्दी से हटाया कि नहीं, तुम्हें अपनी पोस्ट से हटाया कि नहीं। और नाम क्या तुम्हारा? सर माफ कर दे सर। नाम क्या तुम्हारा? रहमान सर। रहमान, बस ठीक है सर, प्लीज सर। किधर है काशिफ? हाँ काशिफ, इसकी पर्सनल रिपोर्ट बनाकर तैयार करके सीधा डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में भिजवाओ, ठीक है ना? आज शाम से पहले पहले इसकी पोजीशन इससे छिन जानी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा जो इस इलाके का SHO है उसका पर्सनल नंबर मुझे चाहिए। मैं डायरेक्ट उससे बात करूँगा। इसके अलावा पूरे शहर के जितने भी स्टेशन हैं, जितने भी थाना स्टेशन हैं, उन सब के जो नंबर्स की लिस्ट है ना वो मेरे पास आ जानी चाहिए और डायरेक्ट मेरा उन सब से कॉन्टैक्ट होना चाहिए। उनकी सर्विस को मैंने जायज़ा लेना है, ठीक है ना? और उनके स्टेशन पर मैंने विजिट भी करना है, अभी नहीं तो नेक्स्ट वीक मैं विजिट करूँगा। ये चीज़ अपने माइंड में रख और जो मेरा मीटिंग शेड्यूल होगा ना वो भी अरेंज करके तुमने मुझे बताना है, ठीक हो गया सर? मैं समझ गया सर, नोटेड सर, गुड। इसके अलावा मैंने तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, रस्ते में आओ मैं करता हूँ। जी सर, अभी जल्दी सर। हाँ चलो जी सर, आ जी सर, बैठ सर। आज जी मिजोर मैं सर। बैठ बैठ, तू बैठ, हम आते हैं। जी सर। साकिब मैं तुझे कुछ डिज़ाइन सेंड करूँगा उन बसों के, ठीक है ना? वो डिज़ाइन थोड़े फॉलो अप करी और उसका क्या बजट बनता है वो भी सारा मुझे बताई और उसको भी फॉरवर्ड कर दी। जी माको भाई। और काशिफ यार मेरी पर्सनल सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ा दे, ठीक है ना? मैं जानता हूँ कि आने वाले वक्त में ना मेरे दुश्मन और बढ़ने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पर्सनल सिक्योरिटी भी बढ़ जाए। जी सर। तो कल तक फुल प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ प्लस गार्ड वो मेरे घर आ जाने चाहिए, सही है? जी सर, मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ सर। हाँ ठीक है, कॉन्टैक्ट कर जिसे भी करना है। आइंदा के बाद इस तरह अकेले गाड़ी में नहीं लेके जाऊंगा बाहर। जी सर, मैं समझ गया सर। पापा मेरे लिए कुछ प्रोजेक्ट्स हैंडओवर आपने देने हैं तो बता दें पापा। तू अभी सबर कर यार जिमी, तू साथ साथ रहे, मैं तुझे कुछ दिनों तक तुझे भी तेरी पोजीशन अनाउंस करूंगा। जी पापा, आई एम वेटिंग पापा। हाँ हाँ, थोड़ा सबर रख, सबर रख। अभी बस साकिब को मैंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया यार, साकिब अपनी जॉब को सही तरह से रिस्पॉन्सिबल तरीके से निभा, ठीक है? जूझी बाबा भी फिक्र ना करें, ये बस वाला काम मैं किसी ना किसी फॉलो कर दूँ कल तक। हाँ बस मुकाने वाली करी जी बाबा भी। अच्छा तो यार गर्मी बहुत हो गई है, कसम से बहुत गर्मी है यार। बस दिल कर रहा था स्विमिंग करने का। और सामने आप चेक कर सकते हो यार घर को ना, घर की जो ये नई रेनोवेशन मैंने कराई थी ना लास्ट टाइम, बस उसको मैं ख़त्म करा रहा हूँ और जो घर की अपनी पुरानी लुक है वो मैं वापस लेकर आना चाहता हूँ। इस वजह से मैंने काम लगवा लिया स्टार्ट, सॉरी काम स्टार्ट करा लिया है। और बाकी यार मैंने ये बताना था आपको कि इंशाल्लाह यार अभी मैं उसको अपने जो सेक्रेटरी है उसको बोल देता हूँ कि मेरे लिए एक प्रॉपर सेपरेट मेंशन होना चाहिए। प्रेसिडेंट मेंशन वैसे भी सेपरेट ही होता है, एक अलग से मेंशन प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अभी बस मुझे बने वैसे 2 ही दिन हुए हैं तो उसको मैं बोलता हूँ। एक मिनट कॉल करके उसे बुलाता हूँ यहाँ पर। काशिफ ज़रा इधर आ मेरी तरफ स्विमिंग पूल की साइड। तो जैसे ही वो आता है यार उसको ऑर्डर करता हूँ कि यार मेरे लिए एक मेंशन तैयार करे कहीं भी जो कि प्रॉपर लग्जरी मेंशन हो, ठीक है ना? वो भी मैं उससे बात करता हूँ। इसके अलावा यार प्रोटोकॉल, हाँ उसको मैंने बोला हुआ था कि यार प्रोटोकॉल मेरे लिए किसी भी तरह से अरेंज कर, क्योंकि भाई इस तरह से अब मैं ज़्यादा देर रह नहीं सकता हूँ। जी माइकल सर, हुक्म कर सर। हाँ यार काशिफ, अपना क्या नाम है? जी सर, आपका नाम माइकल सर। अरे हाँ यार सब्र कर, क्या कहने वाला था मैं। हाँ सिक्योरिटी आई है कि नहीं? सर मैंने कॉन्टेक्ट किया सर, शाम तक आ जाएगी सर। शाम तक? मैंने अभी उधर जाना है बस वाली साइड चेक करने के लिए कि वो बसें रेडी हैं कि नहीं, और मैं फिर से इस तरह अकेले कार लेकर नहीं जाना चाहता हूँ, साथ प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी होनी चाहिए मेरे। बस सर कुछ देर में आ जाएगी सर। एक मिनट यार, टाइम 10 हो रहा है, 11 बजे तक, 1 घंटे के अंदर अंदर अगर ना आए ना तो फिर तुझे मेरे साथ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरी भी नौकरी फारग है। सर मैं अभी तरह से पूरी कोशिश करूँगा सर, अब टेंशन मत ले सर, आपको मैं प्रोटोकॉल के बगैर बाहर जाने नहीं दूंगा सर। चल वो मैं देख लूँगा ना, 1 घंटे का तेरे पास टाइम है। और इसके अलावा मेरे साथ आ जरा, तुझे मैंने कुछ और भी बताना है। जी सर। वैसे कल से मुझे कॉलें आई जा रही हैं अपना उसकी, डेविड की और मार्टिन की, लेकिन मैं उठा नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है ना यार आएंगे मेरे पास, बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि यार मुझे दोबारा ओहदा वापस कर दे, तेरे से सही संभाला नहीं जा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और मैं ये चाहता नहीं हूँ, जो मैंने प्रोजेक्ट्स अपने जहन में रखे हुए हैं वो प्रोजेक्ट्स
वो प्रोजेक्ट्स मैंने हर हाल में पूरे करने हैं और मैं उनकी सुनना बिल्कुल भी नहीं चाहता इस वक्त। बाकी मुझे कई हद तक यार उसकी नीयत का भी पता चल गया था कि वो किस नीयत से इस सीट पर बैठना चाहता था। सिर्फ और सिर्फ पैसे की नीयत थी उन दोनों की, पैसा बनाना चाहते थे। तो पैसा तो खैर मैं भी बनाऊंगा समझा करो, लेकिन तरीके से, हलाल का हराम का नहीं। और यार अपना काशिफ, ये क्या तमाशा यार बाहर घर के मेरे? सर आपके फ़ैन है सर। यार एक दिन होता है, दो दिन होता है यार, तीसरा दिन मैं देख रहा हूँ तीनों दिन आके बाहर खड़े हुए हैं। सर हम कोशिश करें सर, सर अब हुक्म करें सर, इन सबको अभी भगा देता हूँ। नहीं नहीं भगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब इस तरह अच्छा नहीं लगता यार, डेली आके बाहर इस तरह खड़े हो जाती है आवाम, अपनी कुछ प्राइवेसी भी होती है घर की। सर मैं समझ सकता हूँ सर, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि हाई सिक्योरिटी मुझे यहाँ पर चाहिए अलर्ट। और प्लस हाँ 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 मैं तुझे बताना भूल गया कि मेंशन मेरे लिए अरेंज कर कल परसों तक, ठीक है, दो दिन के अंदर अंदर। कहाँ पे सर? लॉस सैंटोस में ही कहीं भी, मतलब हो जाए जो प्रेसिडेंट मेंशन होता है, लग्जरी मेंशन, वो अरेंज कर किसी भी तरह से अरेंज कर। और मैं यहाँ से मूव होना चाहता हूँ फ़िलहाल, मैं क्योंकि कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा और प्राइवेसी मेरी बिल्कुल लूज़ है। जी सर, जो आपका हुक्म सर। हाँ प्लीज़, और एक घंटे तक मैं आता हूँ और सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर। जी सर। देखो यार अब रोज़ इस तरह से मेला बाहर लगेगा घर के तो अच्छा नहीं है ना, वो भी फैंस हैं तो मतलब कि देखने आते हैं और होटिंग करते हैं, और उनको भी अब इस तरह निकाला नहीं जा सकता क्योंकि सिक्योरिटी काम है मेरे घर की। अभी फ़िलहाल सिक्योरिटी मुझे अभी प्रॉपर इन्होंने प्रोवाइड नहीं की है, हालांकि देना चाहिए प्रोटोकॉल अभी इनको, लेकिन मैंने उसको रिक्वेस्ट कर दिया तो वो इंशाल्लाह घंटे तक उसको बोला है कि यार किसी भी तरह से अरेंज करे। और जिमी को देखो भाई, जिमी इधर मज़े से टीवी देख रहे, ऐसे कोई परवाह ही नहीं है कि यार मेरे सर पर कुछ काम भी हैं। क्यों भाई जिमी? जी पापा। तू क्या इधर आराम से बैठा हुआ है यार, तुझे पता भी है? क्या पापा? क्या मतलब क्या पापा? कल काम किधर गए थे? पापा बस स्टेशन गए थे। तो वहाँ पे क्या किया था? पापा वो अभी जाकर देखेंगे ना कि क्या बना उनका। आपने खुद ही तो मुझे बोला था कि अभी मैं तुझे कोई काम हैंड ओवर नहीं दूंगा, कोई पोजीशन नहीं दूंगा। हाँ हाँ ठीक है बैठा रहे तू, अभी इसको आराम ही करने दो। इसका अभी मैंने कोई पोजीशन दी नहीं है, लेकिन सोच रहा हूँ कि यार इसके लिए क्या पोजीशन सूटेबल रहेगी। साकिब को तो यार मैंने दे दिया है अपना फिनेंस मिनिस्टर का ओहदा, उसको दे दिया है। मुझे उम्मीद है यार वो अच्छे से संभाल लेगा, क्योंकि जब मेरे शोरूम में काम करता था ना तो मोस्टली कस्टमर यही हैंडल करता था, और उनका बजट वगैरह, वो गाड़ियों का बजट वगैरह तो मोस्टली ये हैंडल कर लेता था। तो देख लेते हैं यार कि अभी साकिब की क्या परफॉर्मेंस रहेगी, अगर अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी तो उसको मैं रखूँगा, नहीं तो फिर उसको भी ओहदे से हटा दूँगा। बाकी यार अपना सूट वगैरह चेंज करता हूँ मैं, कोई पपूसा सूट पहन लेते हैं, यही कलर अभी फ़िलहाल सूट कर रहा है तो इसी कोई ओके मारते हैं, ग्लासेस उसके ऊपर लगा लेते हैं और फिर चलते हैं यार अपना उधर बस की तरफ, और देखते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वो बसें उसने इंपोर्ट करी हैं कि नहीं। और जो मैंने डिज़ाइन उसको बोले हैं, साकिब को मैंने बता दिया था, वो डिज़ाइन फॉरवर्ड कर दिए थे, तो अब डिज़ाइन वही मेरी पसंद के होने चाहिए, अदरवाइज़ मैं फ़ेल कर दूँगा उसको। एक मिनट यार, टाइम क्या हो गया? 11 हो गया, मतलब घंटा पूरा हो चुका है, तो चलते हैं फिर। अभी देखता हूँ कि यार उसने वो सिक्योरिटी जो है वो मंगवाई है कि नहीं, प्रोटोकॉल उसने रेडी किया है कि नहीं। टेंशन नहीं लेनी यार भाई की, अभी फुल शशके स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है ना, अपनी सिटी को भी देखना है साथ साथ और अपनी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करना है साथ साथ, दोनों चीज़ें को बैलेंस लेकर चलूँगा इंशाल्लाह। अब यार भाई आपका प्रेसिडेंट बन गया लॉस सैंटोस का, तो थोड़ी लाइफस्टाइल तो चेंज होनी चाहिए ना कि नहीं? अच्छा तो यार गाड़ियाँ तो इसने मंगवा ली हैं, सिक्योरिटी भी उसने मंगवाई हुई है, कौन सी गाड़ियाँ भाई? लेक्सिस और पराडो, सॉरी लैंड क्रूज़र, ठीक है फ़िलहाल सिक्योरिटी के लिहाज से तो ठीक ही है। हाँ काशिफ। जी सर। ओके तो ये सिक्योरिटी है सारी? जी सर, फ़िलहाल मैंने ये मंगवा लिया सर, इतनी आपके लिए फ़िलहाल इनफ रहेगी सर। अच्छा तो GMC नहीं मंगवाई तूने यार? सर आप कहते हो तो मैं GMC मंगवा लेती हूँ सर। नहीं 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 अभी तो रहने दे, GMC को छोड़, फ़िलहाल तो यही ठीक है, दो पराडो हैं और दो लेक्सिस हैं। जी सर। ठीक है यार सेट है यार, इतना भी सेट है, लेकिन कौन सा, मेरे अपने खाते से तो नहीं है ना ये? नो सर। नहीं सर, ये तो आपका सर राइट है सर, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आपका राइट है सर। ठीक है यार। अच्छा उसको फ़ोन कर। किसको सर? वही बस का जो CEO है, वही जो डैश आउंड का CEO है, उसको फ़ोन कर और बोल के रेडी हैं कि नहीं बसें, हम फिर आकर देखते हैं। एक मिनट सर मैं फ़ोन कर दूँ सर। हेलो, हम बस इम्पोर्ट हुई हैं कि नहीं? हाँ बस घंटे तक आ रहे हैं। ओके सर, वो बोल रहे हैं इंपोर्ट करा लिए, आप चेक कर लें सर। चल बस ठीक है यार, अभी बस थोड़ी देर में मैं अंदर से होके आता हूँ और फिर निकलते हैं। जी सर। ये सारी सिक्योरिटी साथ ही जाएगी? जी सर। नहीं, दो या तीन बंदे यहाँ पीछे भी रहने चाहिए, ठीक है ना, फैमिली की सिक्योरिटी के लिए। जी सर। हाँ बाकी साथ आ जाएं बेशक। जी सर। बस थोड़ा वेट कर, मैं बस अंदर से होके आता हूँ थोड़ी देर में। जी सर।
ओके तो यार सिक्योरिटी मंगवा ली है इसने 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी नौकरी को सेव करने के लिए। 2 लेक्सीज हैं और 2 लैंड क्रूज़र हैं साथ में यार, अपनी ये जो प्रेसिडेंट कार है कैडिलैक 1 बीस्ट। तो ठीक है यार, प्रोटोकॉल तो बन ही जाएगा, प्रोटोकॉल ही बनाना है ना यार, थोड़े शशके ही मारने हैं बस और क्या। जैसे मैं मतलब कि घर से बाहर निकलूँ तो पता चले कि यार प्रेसिडेंट माइकल आ रहा है, तो एक काम करते हैं फर्स्ट जूस पी लेते हैं। अच्छा तो यार वैसे भी अब ना काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन की जो थकावट रही थी ना, जो कैंपेनें करता रहूँ इलेक्शन के दौरान, तो मतलब 2 हफ्ते तो अल्लाह तूल आपके सामने आपका भाई काम करता रहे, तो अभी याशी का टाइम आ गया। पापा? हाँ बेटे किधर हो? जी पापा इधर हूँ, आप कह रहे थे ना जाना है तो मैं तैयार हूँ पापा। अच्छा चलेगा साथ मेरे? पापा लेके चलो ना पापा, आप अब क्या मुझे अब इग्नोर करोगे? नहीं नहीं तेरी मर्ज़ी है यार, मैं कोई तुझे रोक तो नहीं सकता, चला जा मेरे साथ, आ जा। चलें पापा। आ जा। एक मिनट यार मैं ज़रा साकिब को फ़ोन कर लूँ कि वो वहाँ पहुँचा है कि नहीं। साकिब जी मौकबी, हाँ उधर पहुँचा है? जी जी मौकबी इधर ही हूँ, आप बस आ रहे हो? बस मैं आ रहा हूँ टीम के साथ अपनी, आज मौकबी आज मैं इनका बस थोड़ा बहुत रिपोर्ट बना रहा हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो देखता हूँ फिर उसके बाद आपको भी बताता हूँ। चल चल ठीक है, तू रेडी कर, मैं फिर देख लेता हूँ तेरे से पूछ लूँगा क्या बजट बना है। जी मौकबी पहुँचो, आ गया बस। चल आ जा यार, जिमी साकिब भी उधर पहुँचा हुआ, चलते हैं। पापा आपने तो शाकिब भाई को इतनी अच्छी पोस्ट दे दी है पापा। यार वो डिज़र्व करता था यार, इतना तो बनता है, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की और सपोर्ट की है। चेक कर अभी प्रोटोकॉल, वो सब बातें छोड़। पापा ये सारा प्रोटोकॉल आपके साथ चलेगा? बेटा ये शुरुआत है, सब्र कर जा, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा काशिफ सर तो रेडी हैं सब? सर आपका इंतजार सर, आप बताएं सर चलें। हाँ चलते हैं, लेकिन ये तू मतलब बात किस तरह करता है, थोड़ा धीरे बात किया कर। सर मैं ऐसी बात करूँ सर? अच्छा तो भाई तेरी गलती नहीं है, तू है ही ऐसा, खैर ट्रेनिंग हुई भी होती है, मैं समझ सकता हूँ। जी सर टाइम कम है सर, बैठ सर। हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं अभी। सर जी सर आप भी जाएंगे सर? हाँ तो मैं भी चलूँगा। सर अपने कपड़े चेंज करने हैं सर? क्या मतलब कपड़े चेंज करने हैं भाई, अब अपनी औकात में रहो ठीक है ना, ज़्यादा पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही चलूँगा। सर सॉरी सर ऐसे ही पूछे सर। नहीं ऐसी फजूल बातें ना किया करो, अपनी औकात में रहो और अपने काम से काम रखो ठीक है ना, अभी जाके दरवाज़ा खोलो मैं आ रहा हूँ। जी सर। किधर के जिम सर? सर आज ही सर। हाँ आ रहा हूँ, दरवाज़ा खोल। हाँ जी सर दरवाज़ा खोले सर, बैठ जाए। हाँ बस ज़्यादा सर पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी सर। चले मैं सर? हाँ हाँ चल यार, अब टाइम कम है तो शाम को मैंने ऑफिस भी जाना है। जी सर चलते हैं सर।
हाँ भाई काशिफ, चलो आ जा। सर। अच्छा हाँ, तो भाई साकिब जनाब आप आए हुए हैं। जुमा को भी आपका इंतज़ार कर रहे थे बस। ठीक है ठीक है, आगे थे तो अभी क्या सीन है? जी मिस्टर माइकल, आप ही का बस इंतज़ार कर रहे थे हम। बसेस हमने इंपोर्ट करा ली थी आपके कहने पर, और आप काइंडली इसको देख कर पास कर दीजिए। चलें वो तो मैं देख लेता हूँ, मॉडल्स भी मैं देख लेता हूँ, जो मॉडल्स साकिब ने भिजवाए थे वही आए हैं कि नहीं। क्यों साकिब जी, मको भी जो आपने बोले थे ना वैसे के वैसे मैंने भी चेक किए हैं कि मतलब कि 19-20 का फ़र्क भी नहीं, सेम वैसे ही मॉडल्स जो है इन्होंने इंपोर्ट कराए हैं। और बजट तूने इनका तैयार किया? मको भाई जैसी आप पास करेंगे ना ये बसें तो तकरीबन ना करते करते भी तो $6.5 बिलियन का ना इन पर खर्च आने वाला है। $6.5 बिलियन? तेरा दिमाग ख़राब है? साकिब सर आपने $1 मिलियन का बोला था। सॉरी मौबी, मिलियन डॉलर मौबी। यार थोड़ा सोच के बोला कर, बिलियन किधर है और मिलियन किधर है यार। तूने मेरे भी एक मिनट में रोंगटे खड़े कर दिए थे। नहीं मौबी, $6.5 मिलियन की इन पर एक्सपेंस आएगा मौबी। एक मिनट यार, पहले मैं देख तो लूँ। मौबी आप एक नज़र देखें तो सही। हाँ हाँ इधर आओ ना ज़रा। ओह अच्छा, तो जनाब ये बसें आपके सामने जो खड़ी हुई हैं ना, ये मैंने अपनी फरमाइश पर तैयार कराई हैं, मतलब इंपोर्ट कराई हैं। और ये डिज़ाइन स्पेशल मैंने इनको बोला था कि भाई इसी डिज़ाइन में ये बसें मुझे चाहिए, मतलब जो लंदन में बसें चल रही होती हैं ना सेम टू सेम वही डिज़ाइन है। और इनको मैंने बोला था कि मेरे LQM का झंडा सामने डिस्प्ले होना चाहिए, तो झंडा डिस्प्ले कर दिया जो कि बहुत ही परफेक्ट है। और यहाँ ऊपर एड के साथ क्या लिखा हुआ है, थैंक यू माइकल डी सांटो। अरे ये थैंक यू किस बात का यहाँ पर लिख दिया? सर इतना तो हमारा हक बनता था, मैंने स्पेशल ख़ुद उसको बोला था कि ये डिस्प्ले होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ही वजह से ये VIP सर्विस जो है हम अपनी पब्लिक को प्रोवाइड करेंगे सर। ओहो यार, मेरा नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस झंडा लगा दिया था यही काफ़ी था। नहीं नहीं सर, इतना तो हक बनता है ना सर। अच्छा ठीक है यार, ये तो अब चलो आपकी अच्छाई और आपकी बढ़ाई है। खैर मैं दूसरा कोच पर एक नज़र डाल लूँ, कोच किस तरह की आई हैं। यहाँ से देखने में तो मेरा दिल बाग बाग हो ही रहा है, अब पता नहीं अंदर से किस तरह से तैयार हुई हुई हैं। खैर लेकिन लुक वाकई में यार परफेक्ट है इनकी, और पता चल रहा है कोई यार नए स्टाइल की, नए मॉडर्न स्टाइल की जो हैं बसें वो लॉस सैंटोस में हमें देखने को मिलेंगी। और इनमें कोई फ्लैग मुझे नज़र नहीं आ रहा इन कोचों पर। सर आपने ही बोला था कि कोच पे फ्लैग नहीं भी होगा तो चलेगा, और सर वैसे भी ये तो लॉस सैंटोस टू सैंडी शोर के लिए है ना, स्पेशल लॉन्ग रूट के लिए सर। हाँ मोहबी ये लॉन्ग रूट के लिए, और वैसे भी अंदर लोगो रखा हुआ है, LQM का लोगो अंदर इन्होंने लगाया हुआ है। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, ओके। तो हाँ भाई अब मुझे ये बताओ कि बस को चलाने के लिए स्टाफ कितना चाहिए, बसें कितनी चाहिए, और कितने लॉस सैंटोस में स्टेशंस चाहिए इन बसों के लिए? सर जो ट्रांजिट बसें होंगी ना, जो डबल डेकर हैं, उनके लिए तो कम से कम 600 स्टाफ चाहिए लॉस सैंटोस के अंदर। और जो कोचिज़ हैं उनका स्टाफ कम से कम सर मैंने इनको बोला था 450 स्टाफ हमें चाहिए। और इन दोनों के जो स्टेशंस होंगे वो टोटल तकरीबन जो है ना वो सर 250 स्टेशंस दोनों के बनाने पड़ेंगे, सैंडी शोर में भी और लॉस सैंटोस में भी, जिनकी सर टोटल कॉस्ट मैंने साकिब भाई से शेयर की थी और उन्होंने मुझे बजट भी तैयार करके दिया था सर। ओके ठीक हो गया। तो साकिब रिपोर्ट तैयार हो गई है? मगोबी रिपोर्ट तैयार हो गई है, मैंने आपको अभी बताया $6.5 मिलियन का टोटल खर्चा आने वाला है मगोबी, मतलब ये इन सब चीज़ों पर। ये कितना बोल रहे हैं, 250 स्टेशंस बनाने हैं, फिर स्टाफ हायर करना है, और स्टाफ हायर करेंगे तो फिर उनकी भी अकोमोडेशन और उनकी जो सैलरीज होंगी उनको भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो फिर माको भी वो तो फिर जब बसें चलना स्टार्ट होंगी वहाँ से भी तो रेवेन्यू आएगा ना, वो तो शेयर हो ही जाएगा। नहीं इसमें तुझे क्या नज़र आ रहा है कि प्रॉफिटेबल है ये कि नहीं? माको भाई हमें तो प्रॉफिट इसमें तकरीबन 2 या 3 महीने के बाद आना स्टार्ट होगा, क्योंकि शुरू में सारा का सारा हमारा अपना एक्सपेंस होगा माको भाई। तो $6.5 मिलियन फाइनल है जी माको भाई? आई थिंक इतना लग जाए, ज़्यादा भी लग सकता है, कुछ कह नहीं सकते, 7 मिलियन भी लग सकते हैं माको भाई, डिपेंड करते हैं आप। यार मुझे प्रॉपर एस्टिमेट चाहिए यार, एक मिनट। जितनी आपने मतलब के रेंज बताई है बसों की और जितने स्टाफ आपने बताए हैं ये करेक्ट हैं, मतलब एक्यूरेट हैं, कोई ऊपर नीचे तो नहीं है इसमें? नहीं सर मैंने प्रॉपर हिसाब लगा कर, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तो नहीं ये सर चला रहा, ऑलरेडी डैश आउट तो मैं चला ही रहा हूँ, प्लस ट्रांजिट बसें भी हमारी स्टेशन से होकर जाती हैं और स्टाफ भी अपना ही होता है सर,
तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी का सर सीईओ हूँ, तो उसी वाले से एक्सपीरियंस तो है, तजर्बे से मैं बोल रहा हूँ सर। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो नो प्रॉब्लम, 6.5 मिलियन डॉलर्स अगर ना भी हुए तो 7 मिलियन डॉलर्स लग जाएंगे। 7 मिलियन डॉलर भी चलो, नहीं तो 8 मिलियन डॉलर का बजट मैं पास कराता हूँ। और बताओ। थैंक यू सो मच सर, आपकी ये बहुत बहुत बड़ी सपोर्ट है हमें, लेकिन पब्लिक को सर्विस वीआईपी देनी है सर, ये हमारी जिम्मेदारी है सर। ठीक है साकी, फिर मेंशन कर दे मिनिमम 7 मिलियन और मैक्सिमम 8 मिलियन डॉलर्स, तो यानी कि 8 मिलियन के अंदर अंदर ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, और एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी बसें इंपोर्ट कराओ। बसें दोनों मेरी तरफ से पास हैं, और बस ये इस हफ्ते के अंदर अंदर मैं भी अनाउंस कर दूंगा, और न्यूज़ में भी मैं सारा ये मेंशन कर दूंगा मीडिया में। तो 7 दिन के अंदर, 7 से 8वां दिन ना हो, ये साकिब तेरा काम है अब। जी माको भी, जैसा आपका हुक्म माको भी हो जाएगा, मैं फिर आज ही गवर्नमेंट से बात करके बजट पास कराता हूँ। जी माको भी, चलो आओ फिर चलते हैं। क्रेजी। ओके, तो यार होपफुली यार ये जो बसें मैंने अभी इंपोर्ट कराई हैं इनके थ्रू आपको भी पसंद आई होंगी। ये बसें चेक तो करो सामने यार, कैसी डबल डेकर प्रॉपर मतलब के हैवी किस्म की बस लग रही है, और मतलब इस शहर में चलते हुए बड़ी सूट करेगी ये बस। बड़ा मैं कहता हूँ कि जो इस सिटी का रैंक होगा ना वो भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। ट्रांसपोर्ट जो होती है ना किसी भी सिटी की या कंट्री की बड़ी मैटर करती है, तो इन्हीं से ना हमारी सिटी का जो रैंक होगा वो अप जाएगा इंशाल्लाह, वाई सिटी से भी ऊपर हो जाएगा रैंक। तो काशी विया प्रोजेक्ट तो इंशाल्लाह चल साकिब फॉलो कर लेगा और एक हफ्ते के अंदर फिनिश हो जाएगा। जी सर। सेकेंड, मेरी मीटिंग जो है वो टैक्सी का जो ओनर है, मतलब जो टैक्सी सर्विस चला रहा है फ़िलहाल, उसके साथ डिस्कस करके ना कल सुबह की मीटिंग मेरी जो है कंफर्म करो 11 से 12 के दरमियान। ठीक है जी सर, मैं अभी उसका नंबर निकाल कर उससे बात करता हूँ सर। हाँ उससे बात करो, और ये भी कंफर्म कर लो कि वो मेंटली तौर पर ना रेडी रहे, बहुत बड़ी चेंजेस लेकर आने वाला हूँ टैक्सी सर्विस में भी। ठीक है जी सर। सर आपके भी हाफिस सर, इन्होंने मुझसे सवाल किया था जो CEO है सर डैशाउंड का, कि जो पुरानी बसें सर उनका क्या करना है सर। पुरानी बसों का क्या करना है साकिब, ये तू हैंडल कर। जी माको भी, वो भी सेल आउट हो जाएंगे माको भी। हाँ ठीक है, वो बस जिस तरह भी करना है ना वो सारा हैंडल कर लो बस। मैं अब निजी मामलात में इतना पढ़ना नहीं चाहता हूँ, ये जो मेरे मिनिस्टर्स लगे हुए हैं ये हैंडल करेंगे। जी सर। चलो अभी चलते हैं और गाड़ी मैं चलाता हूँ। सर आप ये तकल्लुफ़ क्यों करेंगे सर। और दे यार चाबी, तकल्लुफ़ की इसमें क्या बात आ गई है। चलो आओ। जी सर। बैठो सर। कि भाई आपको मिलियन और बिलियन में कोई फर्क नहीं पता। मुंह से निकल गया ना, अब क्या है। नहीं, इतनी बड़ी पोजीशन आपने संभाली है, पापा आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप कंपनी का CEO खड़ा है, उसके सामने आप 6.5 बिलियन डॉलर बोल रहे हो। पापा देखो यार कितनी बड़ी मिस्टेक करने वाले थे ये। ओ यार जिमी, खैर है अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है इसका, हो जाता है, आस्ते आस्ते इंटू हो जाएगा यार इस फील्ड में। लेकिन पापा ये कोई मजाक थोड़ी ना यार, किस आप भी ना यार फिर सोच लो। और जिमी क्या हो गया, तुझे क्या हो रहा है, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं मैंने बिलियन डॉलर्स जो माको भाई के वेस्ट करा दिए। और यार जो भी है, अभी यार साकिब थोड़ा एहतियात से, जिमी भी ठीक ही कह रहा है, पैसे मैं अपनी जेब से तो नहीं दूंगा, गवर्नमेंट के पैसे मैं अपनी जेब से तो नहीं दूंगा यार, पब्लिक के टैक्स के पैसे होंगे और वो बड़े केयर से लगाने हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा मतलब इन चीज़ों में थोड़ा और फोकस कर। जी माको भाई, जैसा आपका हुक्म माको भाई।